हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह में स्वागत है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने चैनल यूट्यूब पे जो स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह के नाम से है उसको एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम एजूर के अंदर लिनक्स वीएम मशीन के अंदर एक्स्ट्रा डिस्क कैसे अटैच करते हैं। ठीक है, और आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम वर्चुअल मशीन के अंदर एक्सटेंशन फीचर जो ऑप्शन होता है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम अभी दो ऑप्शन यूज करके देखेंगे, वन इज कस्टम स्क्रिप्ट और अदर वन इज पावर शेल डिजायर स्टेट कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं। तो मैं उन दोनों के थ्रू आपको IaaS सर्विस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे एक्सेस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पहले से क्या किया हुआ है, एक अपने वर्चुअल मशीन बना रखी है विंडोज सर्वर 2016 के नाम से। ठीक है, तो विंडोज मशीन बनाई हुई है मैंने। मैं अब एक काम करते हैं, हम अपनी विंडोज मशीन पे चलते हैं एक बार और मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ RDP के थ्रू। ठीक है, MSTSC करते हैं, एक्सेस करते हैं, यहाँ पे आपका यूजर नेम पासवर्ड जो भी है ओके करते हैं, यस। ठीक है, ये आपकी वर्चुअल मशीन एक्सेस हो गई जो हमने बना रखी 2016 सर्वर के साथ। ठीक है, अभी आप देखो कि मैंने पब्लिक IP कॉपी किया, मैं अगर इसको ब्राउजर में पेस्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे IaaS सर्विस एक्सेस हो गई है क्योंकि मैंने ये मैन्युअली इंस्टॉल की हुई है इसके ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार IaaS सर्विस को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव कैसे करते हैं, हम मैनेज में जाएंगे, यहाँ पे सर्वर फीचर के अंदर सर्वर डैशबोर्ड में मैनेज और रिमूव रोल्स एंड फीचर, नेक्स्ट उसके बाद डिफॉल्ट सेटिंग के साथ सिलेक्ट सर्वर पूल जो आपका लोकल सर्वर है, नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको IaaS सर्विस का ऑप्शन देगा वेब सर्वर IaaS, तो हम क्या करेंगे इसको अनचेक कर देंगे, नेक्स्ट करते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग के साथ नेक्स्ट, रिस्टार्ट, यस, रिमूव। रिस्टार्ट मतलब ये जैसे ही सर्विस रिमूव हो जाएगी आपकी तो सर्वर आपका रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा कंसोल पे चलते हैं उसके एजोर के और हम देखते हैं मैंने यहाँ पे जो एजोर वर्चुअल मशीन बना रखी है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक मैंने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया है, अपना यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट बनाया है जिसके अंदर मैंने जो अपनी जिन स्क्रिप्ट को मैं यूज करूँगा, जिन स्क्रिप्ट के थ्रू मैं IaaS सर्विस इंस्टॉल करूँगा वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है अपने स्टोरेज अकाउंट के साथ। स्टोरेज अकाउंट में मैंने अपलोड किया हुआ इन तीनों स्क्रिप्ट को। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टोरेज अकाउंट ऑप्शन आपका स्टोरेज अकाउंट में जाएंगे, स्टोरेज अकाउंट किस नाम से बनाया आपने, मैंने IaaS एक्सटेंशन के नाम से बनाया है, एक्सटेंड शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम कंटेनर में जाते हैं, कंटेनर मैंने किस नाम से बनाया है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने तीनों फाइलें यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अपने सर्वर पर जाके कि रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, ये भी रिमूव हो रहा है, तो जैसे ही रिमूव हो जाएगा देखना आप यहाँ से सर्वर ही ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मुझे दोबारा से एक्सेस करना पड़ेगा फिर उसका। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी हम चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन के अंदर। वर्चुअल मशीन के लेफ्ट साइड में जो आपके ऑप्शन देता है जहाँ पे बहुत सारे, तो यहीं पे एक ऑप्शन आता है आपका एक्सटेंशन का। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में एक नया टैब ओपन हो जाएगा, नई विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं दिखा रहा, नो रिसोर्स एक्सटेंशन फॉन्ड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ये डिफॉल्ट एजेंट्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपलोड किए हुए हैं अपने यहाँ पे, अगर आप इनको रन करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे कुछ डिटेल्स पूछेगा आपसे, उसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको भी अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं आगे एक लेक्चर बना दूंगा इन पे से किसी एक पे, तो मुझे अभी बनाना है जो मेन आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मेरा पावर स्टाइल डिजायर स्टेट कॉन्फ़िगरेशन और कस्टम स्क्रिप्ट, इनके थ्रू हम कैसे
कोई भी सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, कैसे आप एक्सेस करवाते हैं उसको। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट में दिखाता हूँ कस्टम स्क्रिप्ट के थ्रू, कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन के थ्रू, कि हम कैसे IIS सर्विस इंस्टॉल करेंगे अपने विंडोज सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार हम दोबारा सर्वर पे आते हैं। अभी ये रिमूव हो ही रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है शायद ये, इसलिए। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल रिमूव होता है पूरा। सॉरी, मैंने बंद कर दिया उसको, दोबारा से मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ सर्वर मैनेजर। ठीक है, तो देखिए मेरा वो सर्वर के ऊपर से सर्विस रिमूव हो गया, और रिमूव होने के बाद मेरा सर्वर यहाँ से देखिए ऑटोमेटिक हट गया है, मतलब रिबूट हो गया मेरा सर्वर अभी ऑटोमेटिक। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार IP मैं दोबारा ले लेता हूँ, मैंने कॉपी शायद अभी कॉपी से हटा दिया था। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वर्चुअल मशीन के अंदर जाता हूँ दोबारा अपने, और अपनी वर्चुअल मशीन का पब्लिक IP में कॉपी कर लेता हूँ एक बार, वर्चुअल मशीन डेमो के नाम से मैंने मशान बना रखी है वर्चुअल मशीन, और मैं पब्लिक IP को कॉपी करता हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इस मशीन के अंदर पोर्ट 80 और 8080 को मैंने अलाउ कर रखा है। जब हम RDP के लिए पोर्ट इनेबल करते हैं स्टार्टिंग में, जब वर्चुअल मशीन बनाते हैं, उसी टाइम पे आपको पोर्ट 80 और 8080 पूछता है, अगर आपको अलाउ करना है तो आप वहाँ से अलाउ कर सकते हो। तो मैंने वहाँ से पोर्ट अलाउ कर दिया था। अगर आपको बाद में अलाउ करना है तो आप यहाँ पे नेटवर्किंग में जाके यहाँ से इनबाउंड रूल के अंदर आओगे, एड इनबाउंड रूल करके आप उसको अलाउ कर सकते हो। तो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, HTTP 80 और 443 आपके दोनों सिक्योर और नॉर्मल दोनों अलाउ हो रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ कि किसी भी ट्रैफिक से, कहीं से भी कोई ट्रैफिक आता है इन पोर्ट पे, तो वो एक्सेस हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने एक नई चीज़ ऐड की है इसके अंदर। तो ये आप ध्यान रखना कि जब भी आप ये प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पोर्ट 80 अलाउ करना होगा ताकि आप कर सको। ठीक है, जो दो स्क्रिप्ट मैंने बनाई हुई हैं जो मेरे पास हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये नोट करके दे दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं होती है तो मैं भी कुछ स्टडी का डाटा अपना शेयर करने वाला हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। मैंने व्हाट्सएप पे लिंक भी भेजा हुआ है, जिसको डाटा चाहिए वो अपने मुझे डिटेल्स भेज दें, तो मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा डाटा। वहाँ पे आपको ये डिटेल मिल जाएगी इसी लेक्चर के नाम से। तो हर एक लेक्चर के वाइज में वहाँ पे फोल्डर भी बनाऊंगा कि क्या क्या आपको वहाँ पे यूजेबल चीज़ें होंगी उसके लिए। ठीक है, तो उसके बाद मैंने पब्लिक IP यहाँ पे कॉपी कर लिया है मशीन का। उसके बाद मैं दोबारा MSTSC करता हूँ, पब्लिक IP डालता हूँ, मैं कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे यूजरनेम पासवर्ड डाल के मैं मशीन को एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, यस करता हूँ मैं। तब तक मेरा सर्वर एक्सेस होता है, तब तक मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। और यहाँ पे देखना आपको ये IIS का जो होम पेज था डिफॉल्ट, ये एक्सेस नहीं होगा आपको। ठीक है, अब हम एक बार सर्वर पे भी आ जाते हैं, सर्वर पे दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से आपकी सर्विस बिल्कुल रिमूव हो चुकी है IIS सर्विस। देखिए ये पेज यहाँ पे अभी एक्सेस नहीं हो रहा आपको बिल्कुल, मतलब काफ़ी टाइम लगा रहा है, और ये आपको बाद में एरर दे देगा, ये बंद हो गया, देखो नहीं मिल रहा इसको कुछ। ठीक है, इसके बाद एक बार सर्वर मैनेजर पे दिखा देता हूँ मैं आपको, कि आपको जो लेफ्ट साइड में IIS सर्विस का ऑप्शन आ रहा था, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, वो आपका वहाँ से हट गया होगा अभी, क्योंकि हमने मैन्युअली इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये देखिए आपका सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ तीन ही ऑप्शन दे रहा है अभी, डैशबोर्ड, लोकल सर्वर, ऑल सर्वर। जो नीचे यहाँ पे एक इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस IIS ऑप्शन आ रहा था, वो आपका हट गया है यहाँ से। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन पे चलते हैं अपनी डैशबोर्ड, एजोर डैशबोर्ड में वर्चुअल मशीन के अंदर एक्सटेंशन पे। हमें यहाँ पे एक्सटेंशन में हमने क्या किया था, एक्सटेंशन के अंदर आते हैं हम, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछते हैं कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन क्या है, मतलब आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन क्या करता है। ठीक है, कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन इज ए टूल दैट कैन बी यूज टू ऑटोमेटिकली लॉन्च एंड एग्जीक्यूट VM कस्टमाइजेशन टास्क पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन के बाद भी आपको यूज कर सकते हैं। व्हेन द एक्सटेंशन इज एडेड टू वर्चुअल मशीन, इट कैन डाउनलोड पावर सेल स्क्रिप्ट
एंड फाइल फ्रॉम एजूर स्टोरेज एंड लॉन्च ए पावर सेल स्क्रिप्ट ऑन द वीएम विच इन टर्न और टर्न कैन डाउनलोड एडिशनल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। मतलब जो भी हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए स्क्रिप्ट अपलोड करते हैं या फिर कोई सर्विस इंस्टॉल करने के लिए करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये वो कर देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये आपको पूछेगा स्क्रिप्ट फाइल का पाथ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ब्राउज करता हूँ। ब्राउज करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपको सिर्फ ये स्टोरेज अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है या रिफ्रेश का ऑप्शन दे रहा है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्शन फीचर यहाँ पे चेंज कर दिया है। पहले आपको यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन देता था कि अगर आपको अपने लोकल कंप्यूटर से पाथ लेना है, आपको लोकल कंप्यूटर से फाइल को ब्राउज करवाना है, तो आप वहाँ से उस फाइल का पाथ देके इंस्टॉल कर सकते थे। उस टाइम पे आपको स्टोरेज अकाउंट की ज़रूरत नहीं थी इसके लिए, बट अभी माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज कर दिया, तो अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से ही यहाँ पे वो करना पड़ता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करके आप उस पर अपनी स्क्रिप्ट अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आप इसको स्टोरेज अकाउंट को ब्राउज करेंगे। उसके अंदर आपको ब्राउज करने के बाद आपका कंटेनर आएगा, कंटेनर को ओपन करेंगे। कंटेनर ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे स्क्रिप्ट दिखाएगा वो तीनों। ठीक है, तो मेरी जो मेरी कस्टम स्क्रिप्ट है, मेरी ये कस्टम स्क्रिप्ट ये वाली है, IIS सर्वर। मैंने नाम चेंज नहीं कर रखा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कस्टम स्क्रिप्ट के अंदर मैंने डाटा क्या डाला हुआ है। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ नोटपैड के साथ। नोटपैड देखिए, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, बिल्कुल भी। सिर्फ दो लाइनें लिखी है मैंने, इम्पोर्ट मॉड्यूल सर्वर मैनेजर। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, ऐड विंडोज फीचर वेब सर्वर इंक्लूड सब फीचर्स। मतलब कि विंडोज फीचर को ऐड कर दे वेब सर्वर के, उसके अंदर जो भी फीचर्स होते हैं उसके अंदर, मतलब सब डायरेक्टरी सब फीचर होते हैं जो, वो सबको इंस्टॉल कर दे सर्वर मैनेजर से वेब सर्वर को। बस इतना लिखा है मैंने, और इस फाइल को मैंने .ps फॉर्मेट में सेव कर लिया है। PS फॉर्मेट मतलब पावर सेल फॉर्मेट में। ठीक है, तो उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे ब्राउज करता हूँ, मैं इसको फाइल को सिलेक्ट करके सिलेक्ट करता हूँ। आर्ग्यूमेंट में ऑप्शनल है, नाम आपको डालना कुछ डाल सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ दो। मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट्स। तो ये डिप्लॉयमेंट अभी आपका हो रहा है और ये इंस्टॉल होने में आपका 5 से 6 मिनट लेता है। ठीक है, तो आपको तब थोड़ा वेट कर लेते हैं तब तक जब तक ये इंस्टॉल होता है, बोलूँ मैं जब तक वो चल रहा था। ठीक है, तो ये आपके देखिए यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सक्सीड हो गया है, मतलब आपकी जो स्क्रिप्ट आपने रन किया वो सक्सेसफुली प्रोविजनिंग हो गई है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपके सर्वर पे चलता हूँ, जो हमने सर्वर बना रखा है, तो वहाँ पे जाने के बाद अगर आप देखते हो यहाँ पे अभी आपको कुछ ऑप्शन नहीं दिखा रहे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो देखिएगा यहाँ पे आपको IIS सर्विस का ऑप्शन ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे ओके करता हूँ। देखिए आपके यहाँ पे ये होम पेज दोबारा से एक्सेस हो गया है। ठीक है, तो कस्टम स्क्रिप्ट के थ्रू आप ऐसे IIS सर्विस को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सर इस फीचर्स को दोबारा से रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, वेब सर्विस, नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिस्टार्ट, यस रिमूव। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव लगा दिया मैंने, क्योंकि हमने इसके थ्रू कर लिया कि हम कस्टम स्क्रिप्ट के थ्रू IIS सर्विस कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, हम करेंगे अभी पावर सेल डिजायर स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू IIS सर्विस इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैं क्या करता हूँ, इस स्क्रिप्ट को भी यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। कस्टम स्क्रिप्ट जो मैंने यहाँ पे डाली थी, मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए, डिलीटिंग द वर्चुअल मशीन एक्सटेंशन। ठीक है, ये एक्सटेंशन डिलीट हो जाएगा हमारे यहाँ से। उसके बाद हमें क्या करना होगा, सेम चीज़ करनी होगी, दोबारा से एक बार ऐड में जाना होगा। एक बार तब तक ये कंप्लीट होता है, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो दूसरी स्क्रिप्ट बना रखी है हमारी, जो पावर सेल स्टेट डिजायर, पावर सेल डिजायर स्टेट कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट है मेरी, उसके अंदर क्या रखा है मैंने। तो उसमें हमें दो स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपकी। वन इज़ वेबरोल, जो जिप फाइल फॉर्मेट में होगी। सेकेंड वन आपकी इंस्टॉल वेब कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके अंदर में इंस्टॉल वेब कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा आपका, वो दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार।
और वेब रोल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। देखिए मेरा वो सर्वर अभी रिस्टार्ट हो गया है क्योंकि उसकी सर्विस रिमूव हो गई है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो हमारा वेब रोल जो फाइल मैंने जिप फाइल बनाई है उसके अंदर क्या डाला है मैंने, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन डीएससी डिजायर स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, नोड नोड मतलब अब जो हमारी वी एम मशीन होती है उनको हम नोड बोलते हैं वर्चुअल मशीन्स को। तो नोड क्या है यहाँ पे, ऑल नोड जितने भी ऑल नोड्स के अंदर आपको करना है ऑल नोड सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। वेहर रोल्स के अंदर जाना आपको, वेब सर्वर का फीचर है आपका ठीक है, विंडोज फीचर IaaS इंस्टॉल उसको इंस्टॉल कर देना है आपको ठीक है। उसके बाद जो मैंने दूसरी स्क्रिप्ट बनाई है इंस्टॉल वेब कॉन्फिग .psd फॉर्मेट में बनाई है मैंने ठीक है। उसमें क्या लिखा है मैंने, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने अलाउ ऑल नोड करके नीचे नोड का नाम डाल दिया मैंने, सिर्फ लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्यों डाला मैंने यहाँ पे, लोकल होस्ट इसलिए डाला है क्योंकि मैं अपनी जो वर्चुअल मशीन के अंदर जाने के बाद मैंने अपनी वर्चुअल मशीन को सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे और उसके एक्सटेंशन पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, बाहर से किसी और एक्सटेंशन पे जाके नहीं कर रहा कि मैं बाहर से ही कुछ इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर आया हूँ और उसके ऊपर जो एक्सटेंशन दिया हुआ है जो वहाँ से इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं अपनी लोकल मशीन के ऊपर ही हूँ अभी, तो मैं अपनी लोकल मशीन से इंस्टॉल कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट डाला है। आप अपनी मशीन का IP भी डाल सकते हो यहाँ पे ठीक है। तो दो ये दो स्क्रिप्ट होंगी आपकी जो हमें यूज करनी है अभी। तो मैं क्या करता हूँ एक बार उसके लिए आपको पब्लिक IP ले लेता हूँ और एक बार वर्चुअल मशीन को दोबारा एक्सेस कर लेता हूँ जो हमारी रिस्टार्ट हो गई है, और यूजर नेम पासवर्ड डाल के एक्सेस करते हैं इसको एक बार, यस करते हैं ठीक है। इसके लिए मैं एक बार जो हमारा IaaS पेज यहाँ पे दिखा रहा था डिफॉल्ट पेज IaaS सर्विस इंस्टॉल होने के बाद, इस पेज को मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ये फीचर हट जाएगा, मतलब हमारी IaaS सर्विस अभी रिमूव हो चुकी है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस जो हमने कस्टम स्क्रिप्ट के थ्रू इंस्टॉल किया था ठीक है। तो हम एक बार सर्वर पे भी चलते हैं, देखिए यहाँ पे व्यू रिमूवल प्रोग्रेस यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप क्लोज कर दोगे इसको तो आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन हट गया है यहाँ पे। अगर मैं रिफ्रेश भी करता हूँ तो रिफ्रेश करने के बाद भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखा रहा वो ठीक है। तब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चलते हैं दोबारा से हमारी वर्चुअल मशीन के ऊपर एक्सटेंशन के अंदर, एक्सटेंशन के बाद हम क्लिक करते हैं ऐड पे, ऐड के बाद जाते हैं हम पावर सेल डिजायर स्टेट कन्फिग्रेशन पे। और यहाँ पे आप पावर सेल डिजायर स्टेट कन्फिग्रेशन किस लिए यूज होती है आप देख सकते हो, DSC मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इन विंडोज पावर सेल दैट इनेबल डिप्लोइंग एंड मैनेजिंग कॉन्फ़िगरेशन डाटा फॉर सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड मैनेजिंग द एनवायरनमेंट इन विच दीज सर्विसेज रन ठीक है। तो ये आपकी सर्विसेज को रन करवा सकते हो आप यहाँ से, और कोई सॉफ्टवेयर अगर आपको इंस्टॉल करवाना है तो वो भी आप कस्टम स्क्रिप्ट के थ्रू इंस्टॉल करवा सकते हो, अपनी स्क्रिप्ट आपको बनानी होगी उसके अकॉर्डिंग बस ठीक है। तो मैंने यहाँ पे IaaS सर्विस की स्क्रिप्ट बना रखी है, मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल फाइल का पाथ देना है। तो कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल फाइल पाथ कौन सी थी मेरी, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। कॉन्फ़िगरेशन फाइल मेरी ये वाली फाइल है वेब रोल, इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखिए ये वाली मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसके अंदर लिखा भी है ठीक है। तो अब मुझे इस फाइल का नाम पाथ देना है यहाँ पे, और मैं ये नाम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से क्योंकि तो मुझे ये नाम वहाँ पे डालना पड़ेगा डिजायर स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से ब्राउज करता हूँ, ब्राउज करने के बाद ये देखो मुझे स्टोरेज अकाउंट पे ले आया फिर से। स्टोरेज अकाउंट का ओपन करता हूँ मैं अपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर जो मैंने कंटेनर बना रखा है मुझे वो कंटेनर ओपन करना है, और उसके अंदर जो मैंने स्क्रिप्ट डाल रखी है तो कौन सी थी, वेब रोल मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल क्वालिफाइड नेम फॉर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे क्या नाम डालना होगा आपको, फाइल का नाम वेब रोल .ps1, ये आपकी स्क्रिप्ट डॉट फॉर्मेट है ये आपका PS1। मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक बार, जो मेरी लोकल सिस्टम पे फाइल पड़ी हुई है मैं वो दिखा देता हूँ आपको ठीक है। वेब रोल, इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टी में जाता हूँ
तो आप यहाँ पे देखिएगा PS1 फॉर्मेट भी दिखाया है आपको ये, मतलब पावर शेल फॉर्मेट में है मेरी ये स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, बैकवर्ड स्लैश और जो हमने वहाँ पे DS कॉन्फ़िगरेशन नाम डाला हुआ हमारा, DSC कॉन्फ़िगरेशन वो डाल देता हूँ, ठीक है। आर्ग्यूमेंट आपको डालना है आप डाल सकते हो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। उसके बाद आपको डालना है कॉन्फ़िगरेशन डाटा PSD फाइल, जो हमारी दूसरी वाली फाइल हमने बना रखी है। तो सेम प्रोसेस करते हैं, ब्राउज करते हैं हमारा स्टोरेज अकाउंट को, कंटेनर को ओपन करते हैं और सेकेंड वाली हमारी फाइल को हम सर्च करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपसे वर्जन पूछता है कौन सा वर्जन आपको इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे हमारा लेटेस्ट है 2.76, मैं इसको ओके करता हूँ। तो सेम चीज़ यहाँ पे इनिशियलाइजिंग टेम्पलेट डिप्लॉयमेंट टू रिसोर्स ग्रुप, सबमिटिंग द डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट टू रिसोर्स ग्रुप IaaS डेमो, डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये भी आपका थोड़ा सा टाइम लेता है, 5 से 6 मिनट ये लेगा आपका। और उसके बाद आपके यहाँ पे देखेंगे हम रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे IaaS सर्विस फीचर ऐड हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं तब तक जब तक ये कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये देखिए थोड़े सा टाइम वेट करने के बाद आपके यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सक्सेस हो गई, मतलब ये भी आपकी कंप्लीट हो गई है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या दिखा रहा है आपको, माइक्रोसॉफ्ट पावर सेल DSC डिजायर स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। वर्जनिंग 2. स्टार आ रहा है, मतलब 2. कुछ है आपका वर्जन है। प्रोविजनिंग सक्सेस हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप सर्वर पे जाओगे, अभी भी यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहा है कुछ, तो हम क्या करते हैं एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए आपका IaaS सर्विस का फीचर यहाँ पे आपको दे ऑप्शन आ गया यहाँ पे, मतलब ये IaaS सर्विस इंस्टॉल हो गई है आपके यहाँ पे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, जो मैं पब्लिक IP हमने ब्राउजर में कॉपी किया हुआ है यहाँ से, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। और देखिए ये रिफ्रेश करने के बाद इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस का जो डिफॉल्ट पेज होता है वो आपका ओपन हो गया है, मतलब हमारी पावर सेल डिजायर स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी IaaS सर्विस फीचर इंस्टॉल हो गया है। तो आप ऐसे ही इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने एक्सटेंशन को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, यस। ठीक है, आप अगर आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना है या रिमूव करना है, आपको अगर विंडोज़ के अंदर मैन्युअली इंस्टॉल करना है आपको, मैंने स्क्रिप्ट के थ्रू इंस्टॉल करके दिखाया अभी 2 बार आपको, बट अगर आपको मैनुअल इंस्टॉल करना है तो मैनुअल इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैनेज में जाएंगे आप, ऐड रोल एंड फीचर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन पे जाएंगे आप। उसके बाद आपका लोकल सर्वर का ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इसको और यहाँ पे हमारा वेब सर्वर IaaS दिखा रहा है आपको यहाँ पे, ये हमने अभी इंस्टॉल किया हुआ है आपके इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे चेक मार्क है, अगर अदरवाइज आपके ये यहाँ पे अनचेक होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये इंस्टॉल है आपका, कि क्या क्या फीचर हमारे इंस्टॉल हो रखे हैं वो सारे भी यहाँ पे चेक मार्क हैं। तो ये हम चेक मार्क करके नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा, नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल करते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए सेम है, मैनेज रिमूव रोल्स एंड फीचर, नेक्स्ट लोकल सिस्टम से आपका, नेक्स्ट आप वो फीचर यहाँ पे जो हमारा इंस्टॉल हो रखा है उसको अनचेक कर देंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अनचेक हो जाएगा सब, और नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद डिफॉल्ट नेक्स्ट और रिमूव करते हैं यहाँ पे, यस। ये मतलब ये रिमूव करने के बाद रिस्टार्ट कर देगा सिस्टम को, और रिमूव पे क्लिक करते हैं रिमूव, तो ये आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से IaaS सर्विस फीचर्स। तो मैंने आपको 3 तरीकों से आपको मैंने बता दिया कैसे आप IaaS सर्विस इंस्टॉल कर सकते हो अभी। 1, पावर सेल डिजायर स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, 2, आपका कस्टम स्क्रिप्ट के थ्रू, और 3, आपको सर्वर के ऊपर मैन्युअली कैसे इंस्टॉल करते हैं डिफॉल्ट पेज के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट कैसे लेते हैं, मतलब बैकअप कैसे लेते हैं। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, बाय बाय।